अयोध्या मामले में 17 नवंबर से पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना है। ऐसे में देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो इस मामले में गैर जरूरी या विवादित बयान से बचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र जाएं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें। प्रधानमंत्री जी, समय समय पर जब लिंचिंग का मामला आया या किसी भी तरह के धार्मिक टकराव का मामला आया, इस प्रकार के उनके बयान तो आते हैं, पर हम ये देखते हैं कि जो उनके पार्टी के लोग हैं और अन्य लोग जो उनके विचार को मानने वाले लोग हैं, कभी मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं जिससे देश के अंदर टकराव पैदा होता है और वो लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की ये सलाह बिल्कुल सही और मौजू है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को चेताया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय हो उसका सम्मान करना चाहिए और मंत्री उनके, उन्हें भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है या लोगों को भड़काने की या इस बात पर टिप्पणी करने की, ये बहुत जरूरी है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री की हिदायत को किस हद तक उनके मंत्री और बीजेपी पार्टी मानती है कि नहीं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया कि वो अयोध्या फैसले से पहले लेफ्ट पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस, सपा और आरजेडी समेत अन्य पार्टियों के साथ बात करेगा। इसके अलावा संघ मुस्लिम सांसदों और विधायकों से भी चर्चा करेगा। इससे पहले 5 नवंबर को भी संघ और बीजेपी नेताओं ने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं से मुलाकात की थी। संघ का कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो किसी की ना तो जीत होगी और ना ही किसी की हार, इसे धर्म से भी जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो बिल्कुल सही अपील है और इससे पहले आरएसएस ने भी ये अपील की और आरएसएस ने मुसलमानों के साथ मीटिंग भी की। मैं समझता हूँ कि ये ठीक दिशा में उठाया गया कदम है और अगर सब लोग चाहते हैं कि जो फैसला है उसको सब माने तो फिर सब माने उसको। हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री इसके बावजूद के बहुत सी चीज़ों के अंदर अपील करते हैं लेकिन बाद में उसका नतीजा उनकी अपील के बरक्स यानी उसके खिलाफ ही दिखाई देता है। खुदा करे ऐसा ना हो और उन्होंने जो अपील की है उसको सब एक्सेप्ट करें। पीएम मोदी ने 27 अक्टूबर को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी अयोध्या मसले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या मसले पर 2010 में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद देश का मूड बदल गया। स्थिति सामान्य करने में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों ने भी अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट।